नमस्कार, आज मैं गुड़हल क्रेप पेपर से बनाने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही सुंदर फूल है। गुड़हल के लिए हमको सामान चाहिए, क्रेप पेपर लाल रंग में, हरे रंग में, ये क्रेयॉन है जामनी रंग में, हरे रंग का टेप, फ्लोरल टेप, और ये पीले रंग का एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर जो हम यूज़ करते हैं वो, एक पतला तार और एक मोटा तार। फूल के सारे नाप वीडियो के आखिर में हैं। अब एक फूल पत्ती को लीजिए और ये जामनी रंग के क्रेयॉन को लीजिए और इसके नीचे की तरफ रंग कर दीजिए। ऐसे करके अब एक कैंची लीजिए और इसको उल्टा रखकर कैंची से इसमें ऐसे लाइनें खींच दीजिए। और फिर कैंची से ही कागज को ऐसे खींचिए जिससे ये ऐसे गोलाकार ले ले। तो ये मैंने सारे पत्तियों के साथ ऐसे कर दिया है, पांचों पत्तियों के साथ। अब गोंद लीजिए और पहले एक पत्ती में ऐसे आड़ा करके जो ये जामनी रंग है उसे थोड़ा ऊपर तक ले जाकर ऐसे लगा दीजिए और दूसरी फूल पत्ती लेके उस पर ऐसे ही आड़ा चिपका दीजिए। फिर से गोंद लगाइए दूसरी वाली पर और फिर तीसरी पत्ती फूल पत्ती ऐसे ही चिपका दीजिए। तो ऐसे मैं बाकी दो पत्तियां भी चिपका दूंगी। जब ये सूख जाएगा तो ये ऐसे लगेगा। अब इस पर फिर से वैसे ही जैसे हम लगा रहे थे ऐसे ही आड़ी गोंद लगाइए और इसको घुमाकर जो पहला वाला वो है पत्ती है उस पर चिपका दीजिए और यहाँ पे छोटा सा एक छेक छोड़ दीजिए, पूरी तरह मत बंद करिए। तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब इसको सूखने दीजिए। एक पीस पतले तार में से काटिए 20 सेंटीमीटर लंबा और एक लाल कागज का टुकड़ा भी काटिए जो 2 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसमें 3 कट्स लगाइए आधे सेंटीमीटर लंबे और इनको ऐसे कैंची से खींचिए तो ये गोल से हो जाते हैं। नीचे की तरफ थोड़ी सी गोंद लगाइए और इसको ऐसे तार पे रखकर चिपका दीजिए। थोड़ा सा ऐसे उंगली को गोल से घुमाएंगे तो ये ऐसे चिपक जाता है। अब एक और पट्टी काटिए लाल कागज से जो लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी है और अब ये पीला रंग, ये एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर जो भी आप यूज कर रहे हैं वो लेकर ऐसे पट्टी पे बिल्कुल किनारे पे रंग करिए। ये दोनों तरफ करिए।
ऐसे, और कोशिश करिए ऊपर भी ऐसे कर दीजिए। अब इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। अब इस पट्टी पर जब ये सूख जाए, बिल्कुल बारीक बारीक पट्टियां काटिए और यहां पर आधा सेंटीमीटर का जगह छोड़ दीजिए। ऐसे अब इस पट्टी पर नीचे की तरफ कोन लगाइए। और इसको, ये जो तार हमने तैयार किया था उस पे थोड़ा आड़ा करके चिपकाते चले जाइए। ऐसे करके अब एक कैंची की सहायता लेकर ये जो पट्टियां हमने काटी थी इनको ऐसे ऐसे खोल दीजिए। तो ये ऐसे नजर आएगा। अब लाल कागज में से ही एक 9.5 या 10 सेंटीमीटर लंबी पट्टी काटिए जो आधा सेंटीमीटर चौड़ी हो, उसको थोड़ा खींच दीजिए और फिर गोंद लगाइए उस पर। और इसको, ये जो हमने पहले पट्टी चिपकाई थी उसके नीचे लेकर तार पे लपेट दीजिए। तो हमको ये पूरा तार जो है लगभग 8 सेंटीमीटर तक करना है, मतलब यहां तक। तो ये 9 सेंटीमीटर तक कर दिया मैंने, 8 नहीं। और बाकी जो है वो फाड़ दीजिए, हटा दीजिए। तो ये ऐसे इसका स्टिग्मा तैयार हो जाता है। अब एक और चौड़ी पट्टी काटिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा भी खींच दीजिए, इस पे भी गोंद लगाइए। और इसको तार पे ऐसे, जहां पे वो 9 सेंटीमीटर खत्म हुआ था उसके ऊपर लपेट दीजिए। तो एक, मतलब एक ही जगह पर लपेटिए। ऐसे करके थोड़ा मोटा सा हो जाता है। अब इस पर गोंद लगाइए। और इसको अब फूल में कर दीजिए। और ये जो मोटा हिस्सा है, ये फूल जो है इस पर ऐसे कहते हैं कि बैठ जाएगा एक तरीके से, ऐसे फिट आ जाएगा। और उसको ऐसे दबा दीजिए जिससे चिपक जाए। अब ये बड़ा सेपल का पीस लीजिए, इसको दूसरी तरफ घुमाइए, इस पे गोंद लगाइए। और इसको इस फूल के नीचे चिपका दीजिए। तो थोड़ा तार पे भी आएगा। ऐसे
से करके, और फिर जो बाकी जो ज्यादा कागज है उसको ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए। ऐसे करके अब ये छोटा सेपल का पीस है, इस पे बारीक बारीक सेपल की आकार में पत्तियां काट दीजिए पूरे में, सो ऐसे लगेंगी वो। इस छोटे सेपल को जब ऐसे काट लिया मैंने, अब इसको हमको बाहर की तरफ घुमाना है, तो कैंची से ऐसे हल्के हल्के खींचिए जिससे ऐसे मुड़ जाए। अब इस पे गोंद लगाइए और इसको जो पहला सेपल है उसके अंत में लगा दीजिए। तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब ये हरा टेप लीजिए का थोड़ा बड़ा टुकड़ा काट लीजिए और खींच के उसको सेपल के बेस से ऐसे लपेट दीजिए तार के आखिर तक। अब इस फूल की हर पत्ती पर ऊपर की तरफ कागज को दोनों उंगलियों से पकड़ के, अंगूठे और उंगलियों से पकड़ के ऐसे खींचिए जिससे ये ऐसे फ्रिल सी बन जाती है, और फिर बीच में उंगली और अंगूठा रख के ऐसे खींच दीजिए तो ये पीछे की तरफ मुड़ जाएगा और उठा हुआ और ऐसे ये फ्रिल सी बनी हुई होगी। तो मैं ये पांचों पेटल्स के साथ करूंगी, पत्तियों के साथ करूंगी। ऐसे करके कली के लिए पहले एक पतली तार काटिए 12 सेंटीमीटर लंबी, फिर ये कली का टुकड़ा है इसको पहले खींचिए ऐसे करके, सो ये लंबा हो जाता है, और फिर इसमें गोंद लगाइए, थोड़ी रुई लीजिए, ये मैं पहले बताना भूल गई थी, और ये तार लीजिए, इस पर भी थोड़ी गोंद लगाइए एक तरफ, और ये रुई का टुकड़ा इस पर चिपका दीजिए। थोड़ा लंबा आकार देने के लिए इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए उंगलियों के बीच, तो ये ऐसा बन जाता है, और ये जो हमने टुकड़ा जो काटा है ये इसको लेके इस पर चिपका दीजिए। पहले एक तह देकर दूसरी तह, और फिर दूसरी तरफ भी ऐसे एक तह और फिर दूसरी, और फिर इसको नीचे से गोल घुमा लीजिए। तो ये ऐसे बन जाता है। अब ये सेपल का पीस है, इसको मैंने अभी काट दिया है, इस पर गोंद लगाइए, और इसको इसके जो ये कली बनाई है इसके नीचे चिपका दीजिए। फिर उंगलियों से ये जो सेपल्स हैं इनको खोल दीजिए ऐसे करके। ये हरे रंग का टेप लीजिए, और जैसे हमने फूल के तार पे चढ़ाया था वैसे ही इसको खींच कर
सेपल के नीचे से शुरू कर और तार के आखिर तक लपेट दीजिए। पत्ती के लिए भी पहले एक तार काटिए 12 सेंटीमीटर लंबी, फिर ये पत्ती लेकर और इस पर कैंची से ऐसे लाइन बनाइए, पहले 3 लंबी लाइन ऐसे करके, और फिर बीच में से बीच वाली उससे किनारे की तरफ जाती हुई ऐसे लाइंस, इसको स्कोरिंग भी बोलते हैं, और ये ऐसे दिखाई देती है। फिर इसको उंगली से कागज़ को कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसे खींचिए पत्ती के बीच में, फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और फिर किनारे को भी कहीं कहीं पर खींच दीजिए। तो ये हाइबिस्कस की पत्ती क्योंकि बिल्कुल सीधी सी नहीं होती है, वो ऐसे ही दिखाई देती है। अब इस तार को लेकर पहले ये हरा टेप काटिए और खींच कर इस तार पर लपेट दीजिए, पूरी तार पर। अब इस पत्ती पर पीछे की तरफ गोंद लगाइए और जो इसकी नीचे का हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाकर ये डंडी, ये जो हमने तैयार करी है तार, इसको ऐसे चिपका दीजिए और नीचे के हिस्से को ऐसे घुमा दीजिए तार पर। तो ये हमारा पत्ता ऐसे तैयार हो जाता है। मैंने और भी बनाए हैं इसी तरीके से। मैंने एक दो ये थोड़ी छोटी पत्तियां भी बनाई हैं क्योंकि शाखा के ऊपर छोटी से ही शुरू होता है। अब ये मोटा तार लीजिए, थोड़ा सा मोटा, जो इन सब का वजन सह सके, और अब हरा टेप लेके थोड़ा लंबा टुकड़ा काटिए। इसको खींचे अब तार लेके पहले सबसे छोटी पत्ती, बिल्कुल ही छोटी सी है, इसको इस पर रखिए, और इसका जो ये हिस्सा है ये थोड़ा कम होता है जिसे इंग्लिश में पेडिसल बोलते हैं, तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। इसको तार को लपेटिए थोड़ा सा और फिर इससे बड़ी पत्ती जो है वो लगाएंगे। फिर लगभग 1 इंच का फासला छोड़कर एक कली लेकर वो लगाइए और एक घुमाव देकर फिर उस कली के नीचे एक बड़ा पत्ता लगाइए। तो इसका लगभग 1 इंच का पेडेसल छोड़ कर और फिर लगाइए, फिर 1.5 इंच का फासला छोड़कर दूसरी कली लगाइए और उसके नीचे एक और पत्ती। तो हर कली, हर फूल के नीचे एक पत्ती होती है। अब एक फूल लीजिए, आप चाहें तो और कलियां लगा सकते हैं या सीधे फूल में भी और ज़्यादा फूल लगा सकते हैं, तो मैं तो 2 फूल लगाऊंगी।
और पत्तियां भी आप चाहें तो कितनी भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब इन फूलों पत्तियों को खोलिए, फूल एक तरफ जैसे झुक सा जाता है हाइबिस्कस का, और कली भी जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो ये हमारा हाइबिस्कस तैयार। सारे नीचे गए नाप सेंटीमीटर में है, ये कली का नाप है, ये 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर है। जितनी आप बनाना चाहें उतनी काटिए। ये फूल पत्ती के वो है स्टेंसिल है, ये 8.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर है और नीचे से इसका नाप 1.5 सेंटीमीटर है। इसके हर फूल के लिए 5 पीस काटिए। ये सेपल का स्टेंसिल है, ये 3 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर है, ये हर फूल के लिए 1 पीस काटिए। ये एक छोटा सेपल है, इसके अभी 1 पीस काटिए हर एक फूल के लिए। ये पत्ती का स्टेंसिल है, ये 10.5 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो स्टेम है ये 1.5 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर है। जितनी आप पत्ती चाहें उतनी काटिए।